तो बड़ा आज हम लोग कॉनकेव लेंसेज के रे डायग्राम जो है वो देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंसेज के रे डायग्राम देखे थे। इन कॉनकेव लेंसेज के रे डायग्राम्स को समझने के लिए मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो रे डायग्राम्स ड्रॉ होते हैं वो सारे डिस्कस कर चुका हूं। आई बटन पे क्लिक करके जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे जो है वो मूव कीजिए। तो बेटा जी, सबसे पहले वाला रे डायग्राम जो है वो उसके अंदर मैं यहां पर डिस्कस करूंगा कि जो ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास वो बहुत ज्यादा दूर पड़ा है। यहीं से सारे रे डायग्राम्स जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा है। इन्फिनिटी से जो है वो हमारे पास यहां पर पैरेलल रेज जो है वो फॉल कर रही है लेंस के ऊपर। जो पैरेलल रेज यहां पर फॉल कर रही है तो यहां पर दो रेज मिनिमम रिक्वायर्ड होती है इमेज के फॉर्मेशन के लिए। तो मैं यहां पर दो रेज जो है वो बना रहा हूं। दूसरे कॉन्सेप्ट में देखो, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस से जो रे है वो हम लोगों के पास डाइवर्ज हो जाएगी इस तरीके से जो है वो यहां से बाहर की तरफ जो है वो रे यहां से डाइवर्ज कर जाएगी। इन्हीं रेज को बेटा जी अगर मैं बैक साइड पे जो है वो प्रोड्यूस करूंगा, इस तरीके से जो है वो बैक साइड पे प्रोड्यूस कर रहा हूं डॉटेड उसके अंदर, तो यहां पे देख लो ये भी यहां पे बैक साइड पे जो है वो मैंने रिप्रोड्यूस कर दी। तो ये रेज जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो हमारे पास मीट कर रही हैं। इस पॉइंट को जो है वो हम लोग फोकस जो है वो बोल देते हैं। पेपर के अंदर आपको ये वाली लाइन जो है वो डॉटेड जो है वो ड्रॉ करनी है और दूसरा आपको यहां पर रेज को जो है वो प्रॉपरली एरोज के साथ जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेस पे रिप्रेजेंट कर देना। तो इस पर्टिकुलर रे डायग्राम की क्या खासियत है, यहां पे एक्चुअल में रेज तो डाइवर्ज करके निकलगी लेकिन यहां पे हम लोगों को अपीयर कर रहा है कि ये रेज जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इमर्ज हो रही है। मतलब जो इमेज का फॉर्मेशन है वो इस एफ पे जो है वो हो रहा है। तो इसकी अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इन केसेस के अंदर जो इमेज बन रही है दैट इज एट एफ। इमेज सबको पता लग रहा है यहां पे वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल में रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट कर रही है। वर्चुअल होगी इमेज जो है और वर्चुअल इमेजेस सारी की सारी जो है वो हम लोगों के पास इरेक्ट रहती हैं और जो है हम लोगों के पास बहुत ज्यादा स्मॉल साइज की, जिसको हम लोग जो है वो डिमिनिश्ड बोल देते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी की जो है वो रहने वाली है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। इसके अंदर सिर्फ दो ही रे डायग्राम्स है, जैसे हम लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर के अंदर थे वैसे ही कॉनकेव लेंस के अंदर हमारे पास दो ही रे डायग्राम्स हैं। अब ऑब्जेक्ट को दूसरे रे डायग्राम के अंदर कहीं पे भी जो है वो आप प्लेस कर दो, इमेज का फॉर्मेशन जो है वो सेम तरीके से सेम ही जगह पे जो है वो होने वाला है। तो यहां पे देखो बेटा जी, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो यहां पर प्लेस कर रहा हूं। तो यहां पर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट जो है सेकेंड पर्टिकुलर केस के अंदर एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट पड़ा। तो रे डायग्राम बनाने के लिए बेटा जी दो इमेजेस का रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे पहली इमेज जो है रे का रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे पहली रे मैं इस तरीके से जो है वो लेके आ रहा हूं। तो यहां से जो है ये डाइवर्ज कर जाएगी। दूसरी पर्टिकुलर रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली है, तो इस तरीके से जो है वो मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूं। बैक प्रोड्यूस करेंगे अभी इस पर्टिकुलर जगह पे, जो कि ये बैक प्रोड्यूस करके अपने पास फोकस पे मिलने वाली है। इस पर्टिकुलर लाइन को आपको एग्जाम के अंदर जो है वो डॉटेड बनाना और ये मीटिंग जो है वो इनकी कहां पे हो रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रही है। तो यहां पे जो है वो इमेज का फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहां पर जो है वो इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर देखो इमेज जो है वो हम लोगों के पास एफ और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में बन रही है, तो बिटवीन F एंड O के बीच में जो है वो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा ये इमेज भी हम लोगों के पास जो है वो वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल में ये रेज जो है वो निकल रही है, अपीयर टू मीट कर रही हैं। वर्चुअल इमेजेस जो है वो हम लोगों के पास जो है वो क्या रहती हैं, इरेक्ट रहती हैं। और दूसरी चीज ये जो है इमेज हम लोगों के पास एक स्मॉल साइज की इमेज जो है वो होगी। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। छोटे साइज की इमेज बिटवीन एफ एंड ओ जो है वो बनने वाली है और एफ पे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज का फॉर्मेशन जो है वो होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।